अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 17 है। 17 लेक्चर में हम बुक रीडिंग करेंगे, उर्दू की हर्फ कहानी तस्वीरी कायदा। तो बच्चों आज हम बे की रीडिंग करेंगे। तो बच्चों ये देखिए, ये बे है, बे के नीचे वन डॉट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बे से। बे बकरी, बे बिल्ली, बे बस, बे बंदर, बे बाजा। पढ़ने के बाद बच्चों आपने पेंसिल लेनी है और यहाँ पे बे की ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ पे है हर्फ बे के गिर्द दायरा लगाएं। तो जिसके नीचे वन डॉट है वो बे है, ये बे है, इसके गिर्द आपने दायरा लगाना है, ये बे है इसके गिर्द दायरा लगाना है, और ये बे है इसके नीचे आपने दायरा लगाना है। उसके बाद ये बच्चों बे की कहानी है। एक दिन हम सब बस पर बैठ कर बंदर का तमाशा देखने गए। मदारी के पास बकरी और बिल्ली भी थी। बिल्ली ने बाजा बजाया और बकरी ने गाना गाया, हम सबको बड़ा मज़ा आया। बच्चों ये देखें, जो बे से हर्फ शुरू हो रहे हैं वो सारे ब्लू कलर की स्याही से लिखे हुए हैं। और ये देखें, ये ऊपर ये बस भी बे से है, ये बाजा भी बे से है, ये बिल्ली भी बे से है, ये बंदर भी बे से है, और ये बकरी भी बे से है। अब बे की रीडिंग करने के बाद हम पे वाले पेज की रीडिंग करेंगे। देखें पेज इसके नीचे थ्री डॉट हैं, पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पे पपीता, पे परिंदा, पे पानी, पे पाँव, पे पौधा। पढ़ने के बाद बच्चों अब हमने पेंसिल लेनी है आपने, और यहाँ पे आपने ट्रेसिंग कर देनी है पे की। ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ पे नीचे है हर्फ पे के गिर्द दायरा लगाएं। तो पे वो है बच्चों जिसके नीचे थ्री डॉट है, वो पे है। जैसे ये पे है, इसके गिर्द दायरा लगा देंगे, ये वाला पे है इसके गिर्द दायरा लगा देंगे, ये वाला पे है इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। ये पेज करने के बाद बच्चों ये है पे वाले पेज की कहानी वाला पेज। यहाँ पे देखें, पप्पू को पौधे और रंग बिरंगे परिंदे अच्छे लगते हैं, वो पपीता शौक से खाता है। एक दफ़ा वो पौधों को पानी दे रहा था कि इसका पाँव फिसला और वो गिर गया। ये देखें बच्चों, ये पप्पू है और ये क्या कर रहा है, पानी दे रहा है पौधों को, और यहाँ पे उसका पाँव फिसला है और वो देखें वो गिर गया है। और ये देखें दरख्त पर बच्चों पपीते लगे हुए हैं, और ये देखें ये परिंदे हैं। और आपने भी बच्चों अच्छी तरह बे और पे के पेज की रीडिंग करनी है।